अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। आज मैं फ्रेश जूस बना रही हूँ, तो मैं दो किस्म का जूस बना रही हूँ, एक जो है आड़ू का और एक लेमन जूस बना रही हूँ। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले मैं ये दो अदद आड़ू लिए और इनको मैंने काट के रख लिया, और हाफ जो है लेमन लिया। तो ये इसके लिए लेमन जूस बनाने के लिए इस जग में मैंने 3 चम्मच जो है मैंने चीनी डाल ली है, वो हल्का के रख ली है, और जो है ये 4 चम्मच चीनी जो है ये मैं इस जूस में डालूंगी, ये आड़ू वाले में। तो अब लाइट चली गई है, फिर मिलते हैं। तो अभी बस ये देखें, मैं 4 स्पून इसमें चीनी डाल रही हूँ और ये आधा कप जो है पानी डाल रही हूँ। बस ये देखें, बहुत अच्छा कलर आया है इसका। तो इसमें मैं ये लेमन डाल रही हूँ, हाफ लेमन है। तो भी बस देखें, इसमें ये जूस में छान लेंगे, तो फिर ग्लास में जो है डाल देते हैं। लो उधर से ना एक लेमन देखें, बर्फ डाल दी है। अब मैं इसमें ये छान के रख ली है जूस, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा कलर है, देखें व्यूअर्स, और सेहत के लिए बेहतरीन। और इस मौसम में फ्रेश जूस जो है ये बहुत अच्छा होता है, आप ज़रूर बनाएं। और अब मैं बनाने लगी हूँ लेमन जूस। ये इसमें मैंने चीनी हल कर ली हुई है, तो अब मेरे पास ये लेमन है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको स्कंजवीन भी कहते हैं और लेमन जूस भी कहते हैं, जिस नाम से आप चाहे कह सकते हैं। लेकिन ये जूस जो है ये बहुत अच्छा होता है, ख़ासकर ये बारिश के मौसम में और सख्त गर्मी में लेमन जो है ये सेहत के लिए बेहतरीन है। तो आप ज़रूर ये ट्राई करें। ये मेरे पास एक पूरा लीमू था और एक आधा था, तो ये मैंने डाल दिया इसमें। बर्फ डाल लेते हैं और ये लेमन जूस इसमें डाल लेते हैं। जूस को छान लेते हैं। शामिल करते हैं बर्फ के साथ। अभी बस आज की मैं उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें। बहुत आसानी से आप एक सेहतमंद जूस जो है वो डाल सकते हैं और पी सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।